सलाम अलैकुम आवाज। क्या कर रहे हो? क्यों आ गए आप? छोड़ो उसका गिरेबान। अरे क्या कर रहे हो ये? क्यों खामखा तमाशा बना रहे हो? हारून सर से मेरा भी बहुत अरसे तक ताल्लुक रहा है। मुझे भी खजाने का उतना ही दुख है जितना आप सब। दुख तो क्या होता है तुम्हें नहीं पता? तुम यहां सब नंबर बनाने आए हो चाचू और आगा जी के सामने। क्या हो गया यार, क्यों खामखा तमाशा लगा रहे हो? अरे सोग वाला घर है, कुछ तो ख्याल करो। आगा जी अगर आप चाहते हैं ना कि मैं ख्याल करूं तो इसको कहीं यहां से चला जाए, वरना इसको धक्के दे के निकालूंगा मैं यहां से। सिर्फ आगा जी और हारून सर का ख्याल करो, वरना हाथ मेरे भी तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। धमकी की अरे क्या बचपना है ये? बचपना ही तो नहीं खत्म हो रहा सर इनका। कभी मेरी अम्मी को धमकाने मेरे घर पे आ जाते हैं, कभी मुझे डराने, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी। मैं चाहूँ ना तो पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवा सकता हूँ और फिर आप सब कुछ जानते हैं कि क्या होगा। फिर से धमकी? अरे बस बहुत हो गया। आबिस, आबिस तुम जाओ यहाँ से। आबिस मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये क्या तरीका है आरिस? वो यहाँ पुरसा देने आया था और तुमने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। ठीक है, पहले तो मुकद्दस की वजह से तुम उससे चिड़े हुए थे, लेकिन अब क्या वजह है जिसकी वजह से तुमने उससे झगड़ा शुरू कर दिया? वजह अभी भी मुकद्दस है आगा जी। ये जो आबिस है ना, एक घटिया आदमी है। शादी के बाद भी मुकद्दस का पीछा नहीं छोड़ा, और तो और मुकद्दस भी आरिस। खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी और निकालो बस। जो बताना था मैंने बता दिया। रही बात उसकी, तो उसको तो मैं जान से मार दूंगा। इतना गुस्सा है मुझे उस पर, क्योंकि ये करने से पहले मैं सोचूंगा भी नहीं ये बात आप सब